करता। और ये तो तड़ी लगाने वाली बात हुई ना। ओए पाजी, उसने तो ऐसी तड़ी लगाई है जैसे हम कोई बर्फ के गोले हैं और वो जलता हुआ तंदूर। अब्बा जी, इसका मतलब है कि हम कंचे और वो कोहे नूर। हमीद जी, ने आपको मना भी किया था कि ना जाओ, आज तड़े सितारे गर्दे सींचने लियो शेर। सिलत में ऐसी पेशन गोई थी, साफ लिखा था कि शेर जंगल में जाके चूहों की बिल में दंगा मुश्ती करेगा। क्या? ओ बस पुत्र, जो भी समझ ले। पुत्र वाला हूं मैं तो, सड़ झुका के ही बात कर रहा था। अब्बू, और क्या कहा हूं? नीते ने ऐसी बात की कि मेरे तो तन बदन में ही आग लग गई। और मुझे कहता तेरा पुत्र करता कराता तो है कुछ नहीं, वेले टुकड़ तोड़ता है, रोटियां तोड़ता है, तो उसको घर जवाई रख लेते हैं, हम भी रोटी टुकड़ डाल दिया करेंगे। ऐसा बोला उन्होंने? मैं को तेरे साथ झूठ बोल रहा हूँ पुत्र। ये तो बड़ी थर्ड क्लास बात कर दी उन्होंने। बस तेरी खातर बर्दाश्त कर रही है। क्या वो इतना थर्ड क्लास आदमी है वो? अब्बा जी, 2023 में अपने मुंह से जहेज मांग लिया है। पर अब्बा जी, पता है जवाब में मैंने क्या कहा? मैंने कहा हम कोई नख लथे लोग नहीं है, खानदानी लोग हैं। और अपनी ती को अपनी हैसियत के मुताबिक अनायत जाट की पोती को बहुत कुछ देंगे। अब्बा जी, बुरे हाल से बांध के दियारे और सालों के दुश्मन कभी एक नहीं हो सकते। मेरी सारी जिंदगी की इज्जत का अशड़ नशड़ करके रख दिया उसने। और मैंने अपने पुत्र की खातिर उसकी मिन्नतें की, तड़ले मारे। और मैं क्या भूल जा इलेक्शन को, पर नहीं जी, नहीं। ऐसे रखना बिल्कुल ठीक है अनंत। अब्बा जी, फिर वो बन गया शफकत चीमा। और मुझे तके दे के निकाल दिया उसने। पता है बच्ची उसको क्या लगता है? उसको लगता है ये जो बेटियों के बाप होते हैं ना, इनकी अना, इनकी इज्जत खाक पे मिली होती है। ओए बच्ची, मैंने सारी जिंदगी अपने निके भरा को कवारा देखा। मैं नहीं चाहता कि मेरी इतनी सारी जिंदगी कवारी बैठी रहे। और मैं अपनी सीट को कोसता रहा। लिहाजा बच्चे, मैंने फैसला किया है, मैंने सब कुछ दाव पे लगा दिया अपनी बेटी की खातिर। ओ पई जे सीट, जा ना गाड़ी पुत्र। अब्बू, पियू दी नक कटवा के अपना मत्था उच्चा रख के आपकी हीर जट कभी खुश नहीं रहेगी। नहीं बस बड़ी हो गई है, तो ये गल नहीं सुननी मैं। ठीक है, इश्कंदा होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है मां बाप की इज्जत को चुबानी कर दे।